नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन और आप देख रहे हो माई टॉली यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग में हम चल रहे हैं चित्रकूट धाम। पूरा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है और मैं अभी हूं औरैया की गोल चक्कर। ये काफ़ी फेमस चौराया है औरैया का। तो आप लोग अगर मतलब घर बैठे दर्शन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए चलते हैं फिर अपनी बस के अंदर, और फिर काफ़ी लंबा सफ़र है तो दिखाते हैं फिर फुल ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी बस है। ये रही अजय, जो भी ट्रैवल्स हैं इनका आई डोंट नो, बट ये औरैया से है। तो अभी चलते हैं अंदर, काफ़ी लोग हैं। हमारी बस निकल चुकी है अभी चित्रकूट के लिए। ये औरैया है और औरैया से आप कहीं भी जा सकते हो। यहाँ पे सरकारी और प्राइवेट दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, तो आप जिससे भी जाना चाहते हैं आप यहाँ से जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की जो बस चल रही है ये काफ़ी अच्छी कंडीशन की बस है। लाइक यहाँ पे हर एक सीट पे फैन है और काफ़ी बैठने की अच्छी व्यवस्था है इस बस में। हम सभी लोग बैठ चुके हैं अभी और सभी लोग चल रहे हैं। काफ़ी सफ़र तो दूर है, लंबा सफ़र है, तो काफ़ी अच्छा ब्लॉग है। आप लोग अगर देखना चाहते हैं फुल ब्लॉग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस ब्लॉग को हो सकता है मैं 2 से 3 पार्ट में अपलोड करूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगर ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए फिर। मेरा रास्ता देखते ही है धीरज रखो, हाँ धीरज रखो, अब थोड़ा ही समय रह गया है तेरे लौट कर आने में। दोस्तों, औरैया के बाद हम पहुंचे हैं कालपी। ये कालपी शहर है जो ज़िला जालू में पड़ता है। तो औरैया से कालपी जाने के बाद आगे हमीरपुर और फिर बांदा पहुंचने के बाद चित्रकूट पहुंचेंगे। तो आप लोग ये पूरा ब्लॉग साथ में रहते हुए देखिए, और अगर अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करिए और इसका नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट तभी देख पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ब्लॉग। इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला पार्ट डालेंगे। दोस्तों, खाना खाने के लिए हम रुके हैं, तो इधर हम लोग बैठ के थोड़ा जो खाना साथ में लाए हैं वो खाना खाने के लिए इधर रुके हैं हम लोग। तो ये मंडी है बरुआ सुमेरपुर, हमीरपुर ज़िले में पड़ती है। तो इधर पानी की व्यवस्था है और सभी कुछ व्यवस्था है। तो इधर हम सभी लोग रुक के जो भी साथ में खाना लाए हैं वो करेंगे, खाना खाएंगे, एंड देन उसके बाद फिर 1 घंटे का रेस्ट के बाद फिर चलेंगे हम आगे की ओर।
तो ये बरुआ सुमेरपुर की मंडी है, वो बढ़िया दिखाई है, काफ़ी अच्छी जगह है, मंडी में काफ़ी व्यवस्थाएं हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ पे काफ़ी बसें रुकती हैं। तो जिस बस में आए हैं वो अजय ट्रेवल्स है, औरैया से आई है। तो इधर पे हम लोग बैठ के खाना खाएंगे, तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा अभी तक का, और आगे का ही सफ़र अच्छा रहेगा। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे रुक के खाना खा लिया है, देन अभी फिर से हम चलने वाले हैं आगे की ओर। यहाँ से अभी आई थिंक 140 किलोमीटर रह गया है चित्रकूट, तो अभी फिर से बस में चलते हैं हम लोग। एंड ये वही मंडी है जो मैंने अभी बताई थी, बरुआ सुमेरपुर जिला हमीरपुर की ये मंडी है, काफ़ी अच्छी है। अंदर तक तो मैं नहीं गया, फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी है देखने में, काफ़ी अच्छी कंडीशन है। यहाँ पे घुसते टाइम मतलब एंट्री पे गणेश जी की मूर्ति भी है यहाँ पे, और जितने भी यहाँ मतलब चित्रकूट के लिए जा रहे हैं लोग वो यहाँ पे रुक के खाना खाते हैं। और यहाँ पानी की व्यवस्था एंड सभी व्यवस्थाएँ अच्छी हैं, आराम से बैठ के आप खाना खा सकते हो। सो हमारी बस जस्ट उधर खड़ी है, वो खड़ी रही बस मेरी, एंड औरैया से फर्स्ट स्टॉप यहाँ पे ये लोग लेते हैं। और ठीक है, काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने मतलब रोका है, सभी अच्छी व्यवस्था है इनकी। तो अगर आप भी कभी जाना चाहते हैं औरैया से चित्रकूट, तो आप ज़रूर आइए, क्योंकि ये अमावस्या है जो वो काफ़ी फेमस है, और चित्रकूट धाम घूमने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। फाइनली दोस्तों, तो हम आ चुके हैं चित्रकूट धाम में, और यहाँ ये एंट्री गेट बना हुआ है, आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ लिखा है चित्रकूट धाम आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो यहाँ पे काफ़ी ई रिक्शा हैं, इनको ही पिकअप करके हम भी चलने वाले हैं। तो ये ही मुख्य द्वार है यहाँ का, यहाँ से ही सारे जो भी मैन तीर्थ स्थल हैं यहाँ के वो यहाँ से घूमे जाते हैं। तो यहाँ रामघाट, हनुमान धारा, जानकी कुंड और बहुत सारे यहाँ के तीर्थ स्थल हैं जो भी यहाँ पढ़ते हैं वो इसी मार्ग के ऊपर हैं, इसी मार्ग पर सारे पढ़ते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। मैं सचिन और आप देख रहे हो महटॉल यूट्यूबर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो हम हैं अभी चित्रकूट धाम के मेन एंट्री गेट पे, एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ई रिक्शा काफ़ी ज़्यादा है। ई रिक्शा बुक करके लोग जाते हैं यहाँ के चारों धाम की यात्रा के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी हैं। और अगर आप ये आना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ की, आप भी आ सकते हो और ई रिक्शा बुक करके आप घूम सकते हो अच्छे से। मैं भी आया हूँ और दिखाऊँगा आपको पूरा ब्लॉग, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को एंड चलते हैं फिर आगे। यही है।